बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लाइव मैच के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 17 का मैच, लीग मैच चल रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फोकल पर्सन है वार्ड नंबर 15 के, वार्ड नंबर 17 के, वो कुमार जय के पास मौजूद। इस डायरेक्शन में एंगल का काइंडली मुझे जरूर बता दें कि एंगल सही है, सही व्यू आ रहा है। वार्ड नंबर 15 मैन ऑफ द मैच के लिए एक बैट जो वाइट साथ शर्ट चेन नंबर दिया। मैन ऑफ द मैच 15 नंबर वार्ड और तैयब अमीर कॉलिंग उसके मैन ऑफ द मैच को इसका क्या नाम थे बोला बोला मैन ऑफ द मैच क्यों कुमार बेहतरीन टीचर और एक दो मिनट पर बंदूक डाले वाले के बाद मैन ऑफ द मैच के लिए वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 4 का मैच है। वार्ड नंबर 17 जो है वो बैटिंग कर रही है, वार्ड नंबर 4 फील्डिंग कर रही है। व्यूअर्स मुझे ये डायरेक्शन बता दें कि अगर ये इस डायरेक्शन में आपको ये अच्छा लग रहा है तो फिर मैं इसी डायरेक्शन में बनाऊं। वार्ड नंबर 4 से भी एक बंदा सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर भी करें और इनवाइट भी करें अपने फ्रेंड्स को ताकि ये डस्का का पॉजिटिव इवेंट पूरी दुनिया में देखा जा सके। वार्ड नंबर 3 से 4 एक मिनट, वार्ड नंबर 3 से वो जो कैप्टन वार्ड नंबर 3 के उनको गुजारिश है को बनने पक्ष में पहली प्ले बॉल मैच शुरू पहली बॉल और बीट की है को खेलना सब फ्रेंड्स के मोबाइल या पीसी पे ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आ रही है, ये ऐसे ही है। बहुत अच्छा छक्का लगाया है। सब दोस्तों के पीसी या मोबाइल्स पे ये बिल्कुल सीधी फुटी आ रही है या कि कोई टेंशन है। बाकी डायरेक्शन में अभी चेंज कर लेता हूँ, अपनी साइड चेंज कर लेता हूँ कवरेज के लिए। शुक्रिया मोहसिन भाई बताने का। एक स्कोर 5 विकेट
पहले और खत्म हो गया शुरू हो चुके हैं जो बॉलर दो विकेट लेगा वार्ड नंबर चार का मूसा किंग 11 उसका कोई भी बॉलर जो दो विकेट लेगा उसको दो खिलाड़ियों को उतरेगा इकट्ठा उसको 5000 रुपया शेख अहमद रसा की तरफ से जी इकट्ठा दो विकेट इकट्ठी एक ओवर में दो की और एक ओवर में दो करेगा जो बॉलर उसको 5000 रुपया शेख रहमतुल्ला साहब की तरफ से पहले ओवर का खेल खत्म और स्कोर है 9-9 एक ओवर 9 स्कोर उमर इस औसत के साथ तो मेरा ख्याल है 60 बनता है फाइनल के थर्ड में है दूसरे ओवर की खेल जारी शुरू 9 स्कोर बने पहले ओवर के ऊपर बगैर किसी नुकसान के 4.5 लाख लोग अभी तक फेसबुक के ऊपर ई डस्का को लाइक कर चुके क्या जनून है शायकिनी क्रिकेट का पूरी दुनिया में लोग डस्का स्टेडियम नवासी स्टेडियम में होने वाले मैच को बराए रास्त ई डस्का पर देख रहे हैं आप खुद भी जज कर सकते हैं अभी तक 4.5 लाख लोगों ने लाइक किया अंपायर का शारा वाइट बॉल बगैर किसी नुकसान पे वार्ड नंबर 17 बैटिंग कर रही है और 4 नंबर वार्ड जो है वो बॉलिंग कर रही है हाँ जी अब्दुल हमीद साहब डायरेक्टर या वाइट ऊपर डाल नुकसान देता है अहमद पहला मैच पिछला कौन जीत्या सी नंबर का पता है वार्ड का भाई बैट्समैन नाम की थोड़ा एहसान साहब है जी बैट्समैन बहुत अच्छा कवर ड्राइव लगाया और रन हो गया बेहतरीन कवर ड्राइव था क्या जोर का शॉट था कि बगैर किसी चीज के चाहट के आराम से बॉल में कास्ट कर दिया 17 स्कोर बगैर किसी चाहट के दूसरा बच्चा बहुत अच्छा स्लिप किया और थर्ड मैन की तरफ तो रन हो
भाषाइयों का जोरों शोर आज आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, बहुत अच्छा कैच। यार ये स्टेज खाली करते प्लीज, मेहमान आ रहे हैं स्टेज पे बैठे हो दोस्त, स्टेज को खाली करते हैं मेहमान आ रहे हैं। भाईजान राणा साहब, राणा सिंह फोटोग्राफर साहब और राणा साहब का नजर उड़ लिया तुम्हारा तमाम शायरी क्रिकेट काबिले तहसील काबिले स्टेज खाली करते हैं। क्रॉस किसी करने की कोई दुश्वारी, लेकिन दोनों प्राइस मौजूद। गोबले बोले लंबे कद के मालिक बढ़िया के देखने के लिए बहुत मशहूर जमाने अहमद पीछे की तरफ खेल लिया, स्कोर तो ऐसे जैसे वो छीन रहे हैं। लेग बाय का इशारा फाइट है, फाइट का खासा मुश्किल होगा है मैदान को खेलना, एक्स्ट्रा स्कोर काफी लोग छीन रहे हैं। लेकिन रनिंग बहुत अच्छी थी, ऐसा चार पाल के आते हुए मुंह से ठीक लेवल की बादशाही रूप में बड़ी गेंदबाजी करते हुए फर्स्ट आउट स्कोर 30 ओवर खेल जा रही है और 30 स्कोर सामने है मैदान का। मैदान में मौजूद अपनी टीम की सपोर्ट के लिए राजा मूसा फरासत। गेंद के दरमियान और पैर के दरमियान काफी फर्क महसूस हो रहा है, गेंद गए और बैट गए और लेकिन फिर से देखते हैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस पोस्ट को शेयर भी करें और फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें ताकि डस्का का ये इवेंट पूरी दुनिया में देखा जा सके। निम्स कॉलेज के प्रिंसिपल को एक दफा फिर पंडाल में गुजरात देख के आते हैं। कौन सा बन गया जिसका अब्दुल्ला भट्ट भी मैदान में मौजूद मैच देखने के लिए उठा के एक फेंक दिया, 6 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 38-38। 13 के अवसर से खेले हैं, 38 स्कोर हो गया, 3 ओवर हो गए हैं। बढ़िया गेंदबाजी की, मैं कब आपको बताता चलूं बढ़िया भाई साहब कि जूरी के फायर सर जाते रहे हैं, चेयरमैन बंदिया का जा सकता पासी साहब उनके साथ दो मजे नाम बने एडवोकेट
जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया डस्का, उनके साथ समीउल्लाह मल्ली साहब एडवोकेट भी है जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया डस्का वार्ड नंबर 5, उनके साथ मोहम्मद अलियास मोहम्मद साहब क्रिकेट की दुनिया का नाम मोहम्मद अलियास मोहम्मद और उनके साथ हसन भाई बहुत अच्छा हाल है तो भैया ठीक है आप इसको शेयर करें और इनवाइट करें फ्रेंड्स को और अपना सिटी पूरी दुनिया में दिखाएं और उनके साथ गेंदबाजी के लिए मूसा जी का रन पर शेर वार्ड नंबर 17 उनके फोकस पर है अमारुल अमर शफीक कप्तानी के फायदे का जवाब देते हुए वार्ड नंबर 4 की तरफ से तीन ओवर के हिसाब पर स्कोर सामने के लिए वासी कीपर से कैच ड्रॉप हो गया स्कोर में से दस बार में सत्रह के लोग छीन रहे मिसअंडरस्टैंडिंग बैटिंग में लेकिन फिर भी वो रन आउट ना कर सके लेकिन कैच भी ड्रॉप किया और जनरल फाउंडेशन से गुजारिश है कि पानी कंट्री बॉक्स में पहुंचा दीजिए प्लीज स्कोर चौथी ओवर का खेल जारी एक विकेट नुकसान कैच ड्रॉप किया कीपर ने आसान कैच था सीधा फील्ड के हाथ में दूसरा फोटोग्राफर तेज से ले लिया सारे ही बॉलर आपको जो आए हैं वो सारे बाएं बॉलर के बॉलर हैं सामने करेंगे दाएं बॉलर के अंपायर डॉट बॉल बॉलर का नाम की खुरम है जी बॉलर का नाम खुरम है क्या बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं मिस फील्डिंग हुई है और चार हो गया पिछली बॉल में सिक्स इस बॉल पे चार चार इतना जोर था नीचे से काश 52 बताओ को भविष्या आधा सौ हो गया चौदह का खेल जारी एक विकेट के नुकसान पर काश से होता हुआ काश को जोर से चलाता हुआ बहुत अच्छा कैच था लेकिन ड्रॉप हो गया आसान थे शायद फील्डिंग की बहुत जरूरत होगी फील्डिंग को फील्ड साइड पर जब क्लब के नौजवान अपने प्राय सर अंजाम देते हुए गवर्नमेंट डस्का प्लेयर लीग खासा महंगा में साबित हुआ वसीम के छोटे कद के बैट्समैन कांडाउन से कितना डस्का की आवाज बढ़िया बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दस्का की आवाज चार चार ओवर खेल दो रविंद्र स्कोर चार शेष चार ओवर त्रिज्या कोई गल नहीं है गर्म ही मिल जाए मेहरबानी मैं आखा के मैं इधर भी हो गया जा लो ओके बाय स्कोर थैंक यू स्कोरिंग के फाइव साइड जा दीजिए चार ओवर का खेल समाप्त 24 के लिए भी गई के साहेबाजी हो गई एक विकेट अभी तक नुकसान दोनों बैट्समैन वसीम और इशान विकेट के ऊपर चावल स्कोर चार विकेट
दोनों मैच के तमाशाई आपने अपनी मैच को बेहतरीन दाखिल स्पोर्ट करते हुए सत्रह के शाकिल सैकड़ों की तादाद में कैप्टन वार्ड नंबर 23 मियां उमर सलाद लोग के उनको प्रणाम पहुंचा गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है बिग टूर्नामेंट और बहुत बड़े इनाम की तरफ से वाइट क्यूपर भरपूर फाइट रही है सामने खड़े हुए एक साथ बड़ा सा मैं आपको बताता चलू छीन रहे हैं बाट रनिंग रनिंग बिटवीन द बिटवीन 59 स्कोर इजाफा करता है टोटल में नुक्ता नुक्ता छुड़ाता है नुक्ता नुक्ता छुड़ाकर लाइनें लिखते हुए मजबूत बनाते हुए एक एक स्कोर चुराकर हदफ की जानो आराम से काम चल हुआ सत्रह भी क्या बढ़िया रनिंग है बढ़िया स्ट्रेटजी सामने वासी सामने की जान खेला चारों साले चित कर दिया 65 ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हुए छोटे गल के वाले मशीन ने वक्त पे डाल दिया बॉल वापस फेंक दी अच्छे बॉल गुड रनिंग बिटवीन द विकेट मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती एक कंफ्यूजन जो फील्डर्स में आप तक पहुंचू फील्डर के दोनों फील्डर के दरमियान से गेंद गुजर गया बिल्कुल नाकाम है समझ नहीं पा रहे फील्डिंग कैसे करनी है चौधरी उस्मान गुलनवाज जनरल कौंसल बल्दिया डस्काम को बचाव के साथ देखे आते हैं चौधरी उस्मान गुलनवाज खासा महंगा ओवर सामना स्थान का वसीम गेंदबाजी करते हुए दाएं बाजू गई भी अच्छी फील्डर मौजूद और एक टोटल जी 71 हो चुका है पांचवां ओवर जारी और 71 इसमें से देखा जाए तो 35 के स्कोर वो ऐसा होगा जो सिर्फ एक्स्ट्रा का होगा मिस फील्ड का होगा चीदा चीदा करके एक एक नुक्ता चोट कर रहे हैं जिनकी तस्वीर की दाने प्रोकर पूरी तस्वीर बना रहे हैं अच्छा टोटल दे रहे हैं दोनों बेस्ट हैं क्या बढ़िया स्ट्रेटजी आखिरी गेंद होगी पांचवें ओवर की आखिरी गेंद जारी पांचवें ओवर की उसी रात में खेला जाएगा
सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो पोस्ट को शेयर भी करें और इनवाइट भी करें फ्रेंड्स को, ताकि ये डस्का का ये इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। किस्मत की देवी आज जमीन पर उतर आई है, वसीम का एहसान का साथ दे रही है, किस्मत की देवी एहसान पर मेहरबान। और इस वक्त स्कोरिंग बोर्ड पर स्कोर है 82। मैं आपको बताना चलूँ वार्ड नंबर 4 कुशवंत सिंह का मैम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्री शाहबुद रहमतुल्ला, वार्ड नंबर 17 टोटल पर्सन है मामला मोहन साहब जो कि मैम मैच खेला जा रहा है। एक माइक और दे दीजिए हमें। के नाम 2000 रुपया हो गया जी इनाम।
ये खुरम नाम का लड़का है जिसने बॉलिंग जो कर रहा है। जी हो गया क्लियर, आप चेक करें। अब आज की कवरेज के बारे में मुझे कमेंट करें, इस डायरेक्शन में अगर आपको सही लग रही है तो मैं इस डायरेक्शन में ही नेक्स्ट मैचेस करूंगा। पहली इनिंग्स का अख्ताम हो गया है। लेकिन ये लास्ट ओवर में चार आउट हुए। हाँ, ये चार आउट हुए, एक रन आउट है और एक तीन आउट, दो आउट है एक रन आउट, नहीं चार आउट हुए, दो बोल्ड हुए, एक कैच आउट हुआ, एक रन आउट हुआ। लाइन में आके हिट करो। प्रोफेसर प्रोफेसर वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 8 ये तो कमेटी के साथ
दूसरी इनिंग का स्टार्ट हो रहा है, पहली प्ले बॉल कराने आए हैं। कल के मैचेस का शेड्यूल जी, 4:07 पहला मैच वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 22 के दरमियान खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच पोल डी वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 23 के दरमियान। इसके बाद तीसरा मैच 9:00 पोल ए वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 28 के दरमियान। इसके बाद चौथा मैच पोल डी वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 7 और कल का लास्ट मैच 11:00 पोल ई में से वार्ड नंबर 3 वर्सेस। बॉलर का नाम अजीम है। बिल्कुल तैयार दूसरी इनिंग के लिए फील्डिंग ग्राउंड मौजूद, अंपायर रेडी, बैट्समैन रेडी, सामने के लिए अहमद पंच, दूसरे पर मौजूद पाशी। वार्ड नंबर 17 से एक बंदा चाहिए यहाँ पे फोकल पर्सन। वार्ड नंबर 17 से एक बंदा चाहिए। अपने रिमाइंडर भी भाई जान इनका भाई कितना स्कोर किया आपने? फिर 88 स्कोर किया है टीम ने, 89 का टारगेट है इनको। पहली प्ले बॉल हो रही है। तमाशाइयों का बहुत बड़ा जुम है और इस टीम के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा हो तो स्पाइस की जरूरत में बॉलर को बैन कर दिया जाएगा। यही ऐलान था जूरी की जानिब से। शूज का मुआयना होगा, किसी लबाजी में भेज देना पड़ जाए या किसी ट्रैफिक लैब में अक्सर ये चेक होता है, लेकिन अलियास को किसी लैब से खुद गलत
कोशिश करेगी। अभी जनरल सलाह का मामला होगा, जूरी बहुत सख्त है क्योंकि वेलकम मालिक अकरम साहब, आप इस पोस्ट को शेयर करें और इनवाइट करें फ्रेंड्स को। ये बात बार हम हर मैच में रोज करते रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी, कोई बॉलर, कोई बैट्समैन स्पाइस यूज ना करे। हर मैच में अनाउंसमेंट की है कि अगर वो करेगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा। अंपायर का फैसला देखना होगा। कप्तान की जिम्मेदारी है, कप्तान सिंचारी ने अपने बॉलर को चेक करे, बैट्समैनों को चेक करे, कहीं वो खा भी दबे रह गई। Yeah.
कैच पकड़ा है ओवर के नाम पर पढ़ता हुआ स्कोर 20
और अहमद के लिए 20 स्कोर हो गया जनाब। राणा सज्जाद उस्मान की तरफ से पर छक्का 2000, अगर वो एक छक्का लगाएंगे तो 2000 पॉइंट। 20 स्कोर हो गया दो ओवर 20 स्कोर हुआ है पशी इलेवन का वार्ड नंबर 4 का। बहुत अच्छी बॉल की है, बीट किया, कंप्लीटली बीट हुए हैं। मैं पूछ के बताता हूँ कि फाइबर के हैं या लकड़ी के बैट हैं, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं है। बैट लकड़ी देने के फाइबर देने, फाइबर से यूज़ कर रहे हो कि लकड़ी के बैट? लकड़ी देने, लकड़ी के बैट ये यूज़ कर रहे हैं, फाइबर के नहीं है। हर ओवर के बाद ये कमेंट्रेटर बताते हैं, आप कहें ये नोट करें स्कोर को, फिर भी मैं आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा। बहुत ऊंची शॉट लगाई है, फील्डर नीचे हैं कैच करने के लिए, लेकिन वो जजमेंट नहीं हो सकी। 3 फील्डर एक बॉल को पकड़ते हुए तब तक मेरे ख्याल 3 स्कोर लगा लिया उन्होंने। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस पोस्ट को शेयर भी करें और इनवाइट भी करें अपने फ्रेंड्स को। डस्का का ये इवेंट पूरी दुनिया में देखा जाना चाहिए, इस पर आपको फख्र होना चाहिए डस्का पे। ये भी ऊंची शॉट लगाई है और ये भी कैच होना चाहिए और कैच हो गया। बहुत अच्छा कैच फील्डर ने पकड़ा पूरी तरह जजमेंट करते हुए। क्या जज्बा तमाशा होगा, क्या लेते जी पूरे स्टेडियम के ऊपर वहां सारा के तमाशे हावी नजर आ रहे हैं। बढ़िया जोश होगा, बड़े स्कोर दे रहे हैं अपने टीम को, यही होता है खेल, यही जज्बा होता है, जज्बात से खेल के जीती जा सकती है। स्टेडियम के चारों तरफ तमाशाई की तादाद सैकड़ों जो एक्शन होते हैं पतली गली में की बरसात में गया सीधा जाता था अंदर भी घर चले जाते। बैट्समैन ने Thank you.
26 स्कोर हो गया, तीन ओवर हो गए हैं। Thank you.
एमएन कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त आपका 6000 रुपया जमा हो चुका है सज्जाद और उस्मान की सज्जाद और उस्मान आपके दोस्त उनकी तरफ से आपके लिए 6000 रुपया इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुका है एक छक्का 2000 एक छक्का 2000 और मैंने करना होगा सज्जाद पे करना होगा चार ओवर में 48 स्कोर हो गया उसकी टीम को एक पॉइंट काट लिया
आखिरी ओवर में 6 गेंदों पे 25 स्कोर चाहिए। इसलिए होता है क्योंकि वो जज है, वो अपनी पसीने के साथ फैसला करता है
वो ही मानना पड़ता है। शोभे इमरान जफर इकबाल दार साहब को पंडाल का खुशाम दीद कहते हैं। जनाब जफर इकबाल दार वार्ड एक से एक नंबर पॉस्टर जफर इकबाल परसा मुझे पता था बैट्समैन जोश में है, मुझे होश से गेंद करना होगी, वो जोश में है, सामने होश से आना होगा, उसी तरह में पहुंच गया। धीमी गति से गेंद भेजी, बैट सौ के बीच का दोबारा लाइव पे आऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।